हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्दी लाइफस्टाइल नेचुरली सीरीज। आई एम डॉक्टर अंकिता एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डाइट। तो अभी डाइट सोच के सबके दिमाग में आया होगा कि डाइट मतलब वेट लॉस के लिए जो डाइट है, जिसके लिए भूखा रहना है या फिर पेट भरने के लिए खाना। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। डाइट मतलब आपका बैलेंस डाइट, जो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। तो उसके लिए जो पहला पॉइंट मैंने बोला था वो था हेल्दी फूड खाना। तो हेल्दी फूड क्या है? तो वो है हमारा बैलेंस डाइट। तो अभी बैलेंस डाइट मतलब क्या? तो उसमें ऐसी चीज़ें रहनी चाहिए, ऐसे न्यूट्रिएंट्स रहने चाहिए जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए या बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट है। तो वो डाइट होता है बैलेंस डाइट। तो ऐसा बोलते हैं कि जो जिस जितनी आपकी प्लेट कलरफुल है उतना आपका खाना बैलेंस है। तो जो नेचुरल कलर्स हमारे खाने में रहते हैं, जैसे कि गाजर या फिर हरी सब्जियां एंड बहुत कुछ, तो वो सब कलर्स उसमें आने चाहिए। ऐसा डाइट अगर हमारा हो तो डैट इज़ हमारा बैलेंस डाइट। तो अभी फूड में ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो देखते हैं। तो कंपोनेंट्स है एक एनर्जी गिविंग और एक रहते हैं नॉन एनर्जी गिविंग, जो हमें एनर्जी देते हैं। तो उसमें कौन से आते हैं? जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ये तीन चीज़ें हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। जो भी हमारा दिन भर का काम चल रहा है, जो हम हमारी बॉडी के मूवमेंट्स है, जो डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, उसमें जो भी चीज़ें लगती है उसमें एनर्जी इम्पॉर्टेंट है। और वो एनर्जी ये तीन चीज़ों से हमें मिलती है। तो इसलिए ये कंपोनेंट हो गए एनर्जी गिविंग कंपोनेंट और एनर्जी कंपोनेंट, एनर्जी गिविंग कंपोनेंट जो है। सेकेंड जो है जो नॉन एनर्जी गिविंग है, जिसमें आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, देन वाटर। तो वाटर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो विटामिन, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज़ें जो बहुत कम मात्रा में हमें ज़रूरी है, लेकिन हम बहुत बार उसे मिस कर जाते हैं हमारे डाइट में, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड जो फैट्स है वो बहुत बार हमें मिल जाते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चाहिए बहुत कम, लेकिन हमारे डाइट में कभी कभी नहीं होती। तो ये हो गए एनर्जी गिविंग एंड नॉन एनर्जी गिविंग कंपोनेंट। तो अभी हमने जो कंपोनेंट्स है वो तो देख ली, अभी फूड का इम्पोर्टेंस क्या है। अभी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि फास्टिंग रहता है ये, या फिर वेट लॉस का अभी जो फैड है उसमें हम लोग बहुत बार वेट लॉस के लिए बहुत कम खाना या बहुत सारी उसमें मिसकंसेप्शंस है। सो फूड का पहले हम लोग इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड्स में पहली चीज़ आती है एनर्जी। जैसे मैंने बोला, हमारी बॉडी में बहुत सी चीज़ें, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो सब एक्टिविटी के लिए हमें फूड इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड आता है ग्रोथ। जो भी ग्रोथ, लाइक हाइट वाइज ग्रोथ या फिर वेट का ग्रोथ या फिर जो भी इंटरनल ग्रोथ बॉडी की जो रहती है, जैसे आपको शायद पता हो कि हमारी जो स्किन है वो हर दिन उसमें नए सेल की ग्रोथ होती है। तो ये ग्रोथ के लिए ये डेली एक्टिविटी है, इट्स नॉट लाइक लॉन्ग टर्म, ये डेली एक्टिविटी बॉडी में इंटरनल चलती रहती है। तो ग्रोथ के लिए हमें फूड इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड आता है सेल प्रोडक्शन। जैसे अभी मैंने स्किन का बोला, तो हर ऑर्गन में, हर टिश्यू में सेल का प्रोडक्शन होता है। सेल मतलब छोटी पेशी है, जो पेशियों से हमारा शरीर बनता है। तो वो पेशियों का हर दिन नया प्रोडक्शन रहता है, तो उसके लिए फूड इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारी इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए। तो हमारी इम्यूनिटी जितनी अच्छी है तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा फूड कितना बैलेंस है। तो इम्यूनिटी के लिए भी फूड का इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट आता है हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन करना। तो कुछ चीज़ें रहती है जो हाई पीएच रहती है, जो फूड कुछ हाई एसिडिक होते हैं, कुछ फूड अल्कलाइन होते हैं। तो हमारी बॉडी का भी एक पीएच है जो मेंटेन रहना चाहिए, उसके लिए हमें फूड इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी फंक्शंस के लिए, जैसे कि थ्रू किडनी हो गया या फिर बाकी के एक्सक्रीटरी फंक्शंस, ये सब चीज़ों के लिए फूड इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ के लिए। तो अभी हर बार मैं मेंटल हेल्थ को फोकस करती हूँ, लेकिन यस मेंटल हेल्थ के लिए फूड इम्पॉर्टेंट है। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कभी अगर आप थोड़ा लो फील कर रहे हो या फिर आप थोड़ा स्ट्रेस में हो, तो इजीली आप लोग कॉफ़ी ले लेते हो, चाय ले लेते हो, या फिर मैनी टाइम्स चॉकलेट्स कैन हेल्प। सो ये सब फूड जो है वो कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स बॉडी में क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस कम हो सकता है, या फिर जो एग्जॉस्ट हो गई है बॉडी तो उसे थोड़ा एनर्जाइज कर सकता है। सो मेंटल हेल्थ के लिए भी फूड इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमने इसमें देख लिया है आज के वीडियो में डाइट क्या है। तो डाइट का मतलब कभी भी भूखा रहना नहीं है, यह हमेशा याद रखना, आपका डाइट बैलेंस रहना चाहिए। नेक्स्ट हमने जो कंपोनेंट्स है वो देख लिए और इम्पोर्टेंस ऑफ फूड देख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में और सारी बातें करेंगे अबाउट द फूड ओनली, लेकिन अभी के लिए हमें फूड की क्या ज़रूरत है वो हमने देख ली है। तो अभी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में, और आई होप ये आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।